Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 19 of Indian Evidence Act, that is a part and parcel of Chapter of Admission. So we will discuss along with Section 19, the question asked by the examiner on this particular section, as well as we will discuss the question which may be asked by the examiner on this section. तो आज का हमारा point of discussion रहेगा Section 19 Indian Evidence Act का, इस पर पूछे गए question और ऐसे question जो examiner पूछ सकता है इस section पे. तो कहीं भी जाइएगा मत, without wasting your much time, let's start the topic. Admission, Section 19 of Indian Evidence Act 1872. So in the previous lectures we have discussed Section 17 and 18. Now we will discuss Section 19. So the title of Section 19 is Admissions by persons whose position oblique liability must be proved as against party to suit. So statements made by a person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions. Suppose if by the admission of any third party, if the liability of a party to the suit is fixed, then under such a circumstances, the liability of third person must be proved. उसकी लायबिलिटी पहले प्रूव होगी कि वो थर्ड पर्सन की ये लायबिलिटी थी ये एक्ट करने की और वो उसने एक्ट नहीं किया या उसने वो एक्ट किया व्हाट एवर इट में भी. तो अगर वो है तो उसका स्टेटमेंट एज एडमिशन कहलाएगा और वो एडमिशन पार्टीज टू द सूट के अगेंस्ट में यूज हो सकता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19. सो if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them. Agar aisa koi statement agar us particular person third person ke against mein use hota uski liability fix karne ke liye, to agar wo statement as a admission hai to wo parties to the suit ke against mein bhi use hoga. Hum isko aage chal ke example ke zariye samajhne ki koshish karenge. And if they are made whilst the person making them occupy such position or is subject of such liability. तो अगर वो person third person की अगर कोई liability है जो कि fixed किए भी अगर उसको एक कोई काम करना है और वो काम कर रहा है और अगर वो काम नहीं करता है और नहीं करने की वजह से अगर उसकी कोई liability fix होती है तो वो लायबिलिटी फिक्स हो रही है और वो लायबिलिटी से रिलेटेड ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है ऐसा कोई एडमिशन देता है जो पार्टीज टू द सूट के अगेंस्ट में जाता है तो सेक्शन 19 में वो रिलीवेंट हो जाएगा टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ पार्टीज पार्टीज के लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए. तो यहां पर हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 19 को. राम अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर श्याम. तो यहां पर राम ने क्या किया, राम ने अंडरटेकिंग दिया, राम ने किया कि आप कुछ फिक्र मत करो, शाम को कहा उसने कि आपके तरफ से मैं रेंट वसूल करूंगा, मैं रेंट क्लेम करूंगा, कलेक्ट करूंगा. ऐसा था कि शाम का कुछ रेंट आना बाकी था, शाम ने कुछ उसके लैंड या बिल्डिंग जो भी है वो किराए पे दिया था और शाम कहीं और था. तो राम ने अंडरटेकिंग लिया कि आप फिक्र मत करो, आपके तरफ से मैं रेंट कलेक्ट करूंगा जो भी पार्टीज के पास से. अब हुआ ऐसा, शाम सूज राम, तो शाम ने राम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और वो सूट का बेस क्या था, फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम गणेश टू शाम. तो शाम ने क्या किया, राम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और शाम का कहना यह था कि राम ने गणेश के पास से रेंट किराया वसूल नहीं किया. तो ये सिनेरियो समझो कि राम ने अंडरटेकिंग लिया था शाम के तरफ से कि मैं आपके तरफ से किराया वसूल करूंगा, लेकिन बाद में शाम ने राम के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि आपने गणेश के पास से जो किराया आना था वो वसूल नहीं किया. यू फेल्स टू डू योर वर्क, आपने आपकी जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाई नहीं, इसलिए शाम ने राम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया. अब हुआ ऐसा कि राम डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम गणेश टू श्याम. तो यहां पर क्या किया, राम ने डिनाई किया,
राम का कहना यह था कि भाई गणेश के तरफ कोई किराया बाकी ही नहीं था, गणेश के तरफ कोई किराया बाकी ही नहीं था, तो मैं वसूल कहां से करूं। तो राम ने डिनाई किया कि गणेश के तरफ ऐसा कोई किराया बाकी ही नहीं था, इसलिए मैंने वसूल नहीं किया। अब यहां पर हुआ ऐसा कि स्टेटमेंट बाय गणेश दैट ही ओड श्याम रेंट इज एन एडमिशन। तो यहां पर मीनवाइल गणेश ने ऐसा स्टेटमेंट किया कि नहीं 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 कि श्याम का किराया मुझ पर बाकी था। तो यह गणेश का एडमिशन हुआ। तो क्या हुआ कि गणेश के एडमिशन कौन से केस में रिलीवेंट हो जाएगा, ये श्याम ने जो राम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि तुमने किराया वसूल नहीं किया, वो केस में गणेश का एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ राम। तो गणेश के एडमिशन के वजह से लायबिलिटी किसकी फिक्स हो रही, राम की, के राम ने किराया वसूल नहीं किया। तो इस सिचुएशन में गणेश का जो एडमिशन है वो सेक्शन 19 में रिलीवेंट हो जाएगा टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ राम। तो राम की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए यहां पर गणेश का एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। गणेश का सूट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्टिन इशू है कोर्ट के सामने वो ऐसा है कि राम ने किराया वसूल किया या नहीं किया। भाई राम किराया वसूल करने में फेल रहा, ये कोर्ट को डिसाइड करने का है, और गणेश का एडमिशन ये प्रूव कर रहा है कि राम लिटरली फेल टू कलेक्ट अ रेंट फ्रॉम गणेश। तो गणेश के स्टेटमेंट से प्रूव होता है कि राम ने गणेश के पास से किराया वसूल नहीं किया, इसलिए उसकी यहाँ पर लायबिलिटी अराइज होगी। तो उसका गणेश का एडमिशन राम के केस में रिलीवेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर के अनदर एग्जाम्पल इज दैट राम एग्रीज टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर श्याम इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स टू बी सप्लाइड बाय गणेश। तो यहाँ पर क्या किया, राम ने ये बोला कि टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर श्याम, कि मैं श्याम की जमानत लेता हूं ऑफ द गुड्स टू बी सप्लाइड बाय गणेश। तो राम एग्रीज टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर श्याम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड बाय गणेश। तो जो गणेश ने श्याम को गुड सप्लाई किया उसका पैसा श्याम दे देगा गणेश को, इसकी जिम्मेदारी राम ने लिया। हुआ क्या था, गणेश ने श्याम को गुड सप्लाई किया लेकिन पैसा आना बाकी था, तो राम ने कहा कि आपका पैसा कहीं पर भी जाएगा नहीं, श्याम की गारंटी मैं लेता हूं कि श्याम आपको पैसा लौटाएगा। अब हुआ ऐसा कि लेटर ऑन गणेश फाइल सूट अगेंस्ट राम बिकॉज श्याम इज नॉट पेइंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। बाद में क्या हुआ कि गणेश ने राम के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि आपने श्याम की जिम्मेदारी लिए थे, श्याम की जमानत दिए थे कि वो पैसे मुझे देगा, लेकिन श्याम ने मुझे पैसे दिया नहीं, इसलिए अब आप लायबल है। तो गणेश ने राम के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया क्योंकि राम श्योरिटी था श्याम के लिए। अब हुआ ऐसा कि राम डिनाइज एनी मनी इज ड्यू फ्रॉम श्याम। राम ने डिनाई कर दिया, राम ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई श्याम के तरफ ऐसा कोई पैसा है ही नहीं, तो श्याम आपको देगा कहां से। तो राम ने डिनाई किया कि ऐसा कोई पैसा है ही नहीं। अब हुआ ऐसा कि श्याम ने स्टेटमेंट दिया और श्याम ने यह कहा, श्याम मेक्स अ स्टेटमेंट दैट ही ओड मनी टू गणेश फॉर द गुड सप्लाई टू हिम इज रिलीवेंट अगेंस्ट राम। तो यहां पर श्याम ने मीनवाइल स्टेटमेंट ये दिया कि हां मेरे तरफ गणेश का पैसा बाकी है। तो ये एडमिशन हुआ क्योंकि अगर श्याम के तरफ अगर गणेश का पैसा बाकी है तो श्याम को लौटाना पड़ेगा, तो यह स्टेटमेंट श्याम के अगेंस्ट में जा रहा है, तो यह एडमिशन हुआ। और यह एडमिशन गणेश और राम के बीच के केस में रिलीवेंट हो जाएगा, ये एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा क्योंकि ये एडमिशन के जरिए राम की लायबिलिटी फिक्स हो सकती है, क्योंकि गणेश ने तो सूट फाइल किया राम के अगेंस्ट में कि तुमने श्याम की जिम्मेदारी लिए थे और श्याम ने पैसा लौटाया नहीं। तो जब श्याम खुद स्टेटमेंट देगा कि मेरे तरफ पैसा बाकी है, तो डेफिनेटली ये राम और गणेश के बीच के केस में ये एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। तो सेक्शन 19 यही कहता है, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। अब अली मोहिद्दीन रवथन वर्सेस इलाई चन्नी लाठी कोम्बी अच्छन। सो इस केस में क्या हुआ था कि यहां पर राम एंड श्याम जॉइंटली बोरोड सम मनी फ्रॉम गणेश। तो राम और श्याम ने दोनों ने जॉइंटली गणेश के पास से कुछ रुपए उधार लिए। हु ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट श्याम अलोन। और गणेश ने क्या किया, सिर्फ श्याम के अगेंस्ट में ही सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ अमाउंट की। श्याम रेज्ड एन ऑब्जेक्शन सेइंग दैट राम शुड ऑल्सो बी जॉइंट एज अ पार्टी एज देयर इज अ जॉइंट लायबिलिटी ऑन हिम। तो श्याम का कहना यह था कि भाई राम को भी
पार्टी बनाओ इस केस का, क्योंकि हमने तो जॉइंटली कर्ज लिया था, तुम्हारे पास से जॉइंटली पैसे लिए थे, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो जॉइंट लायबिलिटी है, श्याम का कहना था। अब यहाँ पर हुआ कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द एडमिशन ऑफ राम वाइल बोरोइंग द अमाउंट एज टू हिज जॉइंट लायबिलिटी इज रिलीवेंट बिटवीन श्याम एंड गणेश। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द एडमिशन ऑफ राम वाइल बोरोइंग द अमाउंट एज टू हिज जॉइंट लाइबिलिटी इज रिलीवेंट बिटवीन श्याम एंड गणेश। तो श्याम एंड गणेश के बीच में राम का स्टेटमेंट अगर कोई राम देता है कि हाँ हमारे दोनों पे जॉइंट लाइबिलिटी थी, तो श्याम और गणेश के केस में राम का एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।